यूट्राइन फाइब्रॉयड यानी बच्चेदानी में गांठ की होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बताएंगे। ये बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है यूट्राइन फाइब्रॉयड के लिए और ये बहुत ही इफेक्टिव है। बिना ऑपरेशन, बिना कोई सर्जरी के आपकी बच्चेदानी की गांठ यूट्राइन फाइब्रॉयड ठीक हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बैसाख जाजोदिया एंड वेलकम टू निरामया हेल्थ सेंटर। मैं डॉक्टर सावन जाजोदिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर यूट्राइन फाइब्रॉयड, यानी बच्चेदानी में अगर गांठ हो जाती है तो उसकी होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में हम बताएंगे। बिल्कुल। पहले हम ये जानते हैं कि एक्चुअली होता क्या है यूट्राइन फाइब्रॉयड या बच्चेदानी में गांठ क्यों होती है, कैसे होती है, इसके लक्षण क्या क्या हैं, सिम्टम्स क्या क्या हैं, फिर हम इसको इसकी दवाइयाँ बताएंगे। देखिए, यूट्राइन फाइब्रॉयड एक गांठ होती है, एक ट्यूमर होता है जो कि यूट्रस में यानी बच्चेदानी में डेवलप होता है। बिल्कुल। इसमें ज़्यादातर मांसपेशियाँ, मसल्स या कुछ फैट वगैरह मिलके ये गांठ बनती है। ये इसकी जो साइज़ है, ये साइज़ बहुत छोटी हो सकती है, एक मटर या एक राई के दाने जितनी, साथ ही साथ कई बार बहुत बड़ी भी हो जाती है, एक खरबूज या तरबूज जितनी भी इसकी साइज हो सकती है। तो ये बहुत ज्यादा वेरिएबल साइज होती है इसकी, और साथ ही साथ ये नॉन कैंसरस होती है, यानी इसमें कैंसर डेवलप नहीं होता, तो जिनको भी है वो उनको डरना नहीं चाहिए इससे। और इस ट्यूमर की एक और खासियत है कि ये सिर्फ चाइल्ड बियरिंग एज में ही होता है, यानी जिस उम्र में आप बच्चे पैदा कर सकते हैं उसी एज में ये औरतों में होता है, उससे पहले भी नहीं, बहुत रेयरली, उसके बाद भी बहुत रेयरली ही ये डेवलप होता है। दोस्तों, इसका एलोपैथी में ऑपरेशन छोड़ के कोई इलाज नहीं है, लेकिन होम्योपैथिक दवाइयों से ये बहुत अच्छी तरह से पूरी तरह ठीक हो सकती है। एक्सीलेंट रिजल्ट्स हैं हमारे यूट्राइन फाइब्रॉयड में। अब हम ये जानते हैं कि इसके कारण क्या है, ये क्यों होता है। वैसे तो देखिए दोस्तों, ज़्यादातर लोगों में एग्जैक्ट कारण का पता नहीं चल पाता है, लेकिन रिसर्च करके देखा गया है कि एक तो जेनेटिक रीज़न सामने आया है, यानी वारसागत वंशागत। अगर आपकी माँ को या आपकी नानी को कभी यूट्राइन फाइब्रॉयड रहा हो तो आपको भी ये हो सकता है। और दूसरा रीज़न जो एक देखा गया है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दो फीमेल हॉर्मोन्स हैं, इन्हीं की गड़बड़ी की वजह से कई बार ये जो यूट्रस में फाइब्रॉयड डेवलप हो सकता है। अब हम ये देखते हैं कि किनको ये होने के चांसेस ज़्यादा है, हु आर एट मोर रिस्क। दो तीन तरह के लोग हैं। अगर ओबेसिटी आपको है, यानी अगर आपको मोटापा है, तो आपके होने को तो आपको ये यूट्राइन फाइब्रॉयड होने के चांसेस ज़्यादा हैं। साथ ही साथ अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में यूट्राइन फाइब्रॉयड रहा हो, यानी आपकी माँ या आपकी नानी को रहा हो, तो भी आपको हो सकता है। और तीसरा और बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है, अगर आपकी एज ज़्यादा हो चुकी है, यानी आप 30, 32, 33 या 35 आपकी एज हो चुकी है और आपको अभी तक बच्चा नहीं हुआ है, तो भी आपको यूट्रस में फाइब्रॉयड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अब हम इसके सिम्टम्स में आते हैं, सिम्टम्स ऑफ यूटराइन फाइब्रॉयड के लक्षण। वैसे तो देखिए दोस्तों, ज़्यादातर लोगों में इसके सिम्टम्स नहीं पाए जाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, रूटीन अल्ट्रासाउंड में कुछ फाइब्रॉयड को पता चलता है कि भाई आपको फाइब्रॉयड है, लेकिन जिनको सिम्टम्स होता है उनके क्या क्या सिम्टम्स है वो हम बताएंगे। बिल्कुल। सबसे पहला सिम्टम है एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग पीरियड्स, यानी पीरियड्स के टाइम पर बहुत प्रोफ्यूज ब्लीडिंग देखी जाती है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज देखिए, यूटराइन फाइब्रॉयड आपके यूटरस में है, तो यूटरस का जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग पीरियड्स देखी जाती है। ब्लीडिंग जो है वो इन बिटवीन पीरियड्स भी हो सकती है, यानी दो पीरियड्स के बीच में भी ब्लीडिंग हो सकती है, मगर ये ब्लीडिंग उतनी ज़्यादा नहीं होती है, जिसको जनरली हम लोग स्पॉटिंग बोलते हैं, तो हल्का सा स्पॉट देखा जाता है ब्लड का। इसके अलावा जो मेंसेस हैं, जो पीरियड्स हैं, वो पेनफुल होते हैं। पेन जो है वो लोअर एब्डोमेन में होता है, यानी जो पेल्विक एरिया है ना, उस एरिया में पेन देखा जाता है, और ये पेन क्वाइट सीवियर भी रहता है। पेन रेडिएट होता है, आपके बैक में भी जा सकता है पेन, या थाइज में भी पेन जा सकता है। यही फाइब्रॉयड गांठ अगर आपके यूरिनरी ब्लडर को कंप्रेस करती है, तो कई बार आपको बार बार यूरिन जाने की समस्या या यूरिन जाने का सिम्टम भी देखा जाता है। अगर यही गांठ आपके ब्लडर, आपके रेक्टम को अगर आप कंप्रेस करती है, तो आपको कई बार कॉन्स्टिपेशन या बार बार स्टूल जाने की भी प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, यानी जब आप इंटरकोर्स या सेक्स करते हैं तो पेन आपको बहुत ज़्यादा फील होता है। कई बार पेशेंट्स ये कंप्लेन लेकर भी हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब,
पेन बहुत इंटरकोर्स के टाइम पे पेन बहुत हो रहा है, तो बाद में और रिसर्च करने पे पता चलता है कि उनको यूटेराइन फाइब्रॉइड है। एक्चुअली यूटेराइन फाइब्रॉइड की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं, तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं वो हम जान लेते हैं। सबसे पहला, बिकॉज पेन होता है, एक डिस्कम्फर्ट रहती है लोअर एब्डोमेन में, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो थोड़ी अफेक्टेड हो जाती है। दूसरी बात है प्रोफ्यूज ब्लड लॉस होता है कई बार, जिसकी वजह से एनीमिया डेवलप हो सकता है और उसकी वजह से फिर वीकनेस, एंजाइटी, पैल्पिटेशन, है ना, शरीर में ताकत नहीं है, काम करने का मन नहीं करता, ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इसके अलावा इसमें कई बार इनफर्टिलिटी भी डेवलप हो जाती है, बच्चे कंसीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है ट्यूमर की वजह से। और अगर आपने इनकेस कंसीव कर भी लिया है तो कई बार क्या होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग लेबर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, जैसे प्रीमेच्योर बर्थ हो सकता है, या कई बार मिसकैरेज हो सकता है, या ड्यूरिंग लेबर कई तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इसीलिए आप समझिए कि इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल दोस्तों, अब हम यूट्राइन फाइब्रॉइड यानी बच्चेदानी में गांठ की होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बताएंगे। ये बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है यूट्राइन फाइब्रॉइड के लिए, और ये बहुत ही इफेक्टिव है। बिना ऑपरेशन, बिना कोई सर्जरी के आपकी बच्चेदानी की गांठ यूट्राइन फाइब्रॉइड ठीक हो सकती है। सबसे पहली मेडिसिन है थूजा, थूजा 200 पोटेंसी में। होम्योपैथी में थूजा एक ऐसी मेडिसिन है जो किसी भी तरह की आउटग्रोथ, यानी कोई भी चीज़ जब अपने साइज से बढ़ जाती है या कोई एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए थूजा है। थूजा एक ऐसी मेडिसिन है जिसको हम यूज़ करते हैं। बिल्कुल, तो यूट्राइन फाइब्रॉइड बच्चेदानी में गांठ एक आउटग्रोथ है, एक एक्स्ट्रा ग्रोथ है, इसको ठीक करने के लिए थूजा हमारी फर्स्ट मेडिसिन है। तो थूजा आपको लिक्विड आपको मेडिसिन शॉप में मिल जाएगी। थूजा 200 पोटेंसी में आप लेके आए, और दो दो बूंदे इसकी दिन में दो बार सुबह और शाम को आप खाली पेट में जरूर से लें। बिल्कुल, जो दो बूंदे हैं वो आप डायरेक्टली जीभ के ऊपर लेना है, पानी वानी में नहीं मिलाना है आपको। हमारी सेकेंड मेडिसिन है फ्रैक्सिनस अमेरिकाना। ये फ्रैक्सिनस अमेरिकाना एक मदर टिंचर है, मदर टिंचर फॉर यूट्राइन फाइब्रॉइड। बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट्स है इसके। इसके जो मेजर सिम्टम्स है वो मैं आपको बताता हूँ। सीवियर पेल्विक पेन, यानी जो लोअर एब्डोमेन है, जो तल पेट है, इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। साथ ही साथ ये पेन आपको बैक या थाइस तक भी एक्सटेंड होता है। जब आपको ये सिम्टम्स हो या फिर ना भी हो, तो भी आपको ये मेडिसिन तो ज़रूर से लेनी है। इस मेडिसिन की 15 बूंदे आपको आधे कप गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में तीन बार सुबह, दोपहर और शाम को खाली पेट में ज़रूर से लें। बिल्कुल दोस्तों, इसके बाद यूटेराइन फाइब्रॉइड की अगली मेडिसिन है कैल्केरिया फ्लोर 6X। कैल्केरिया फ्लोर एक ऐसी मेडिसिन है जो हम किसी भी तरह की गांठ के लिए यूज करते हैं। यूटेराइन फाइब्रॉइड, जैसे हमने पहले भी बताया, बच्चादानी में गांठ है, तो उस गांठ को ये गला सकती है, डिसॉल्व कर सकती है, यानी बिना ऑपरेशन के आपकी ये गांठ गल के ठीक हो जाएगी। बिल्कुल, तो ये दवाई कैल्केरिया फ्लोर 6X 4 गोली करके दिन में तीन बार खाने के आधा घंटा पहले आधे कप गुनगुने पानी में मिलाकर लेना है। और इसके बाद हमारी आखिरी मेडिसिन है चाइना 30 एंड फेरमफॉस 6X। अगर आपको प्रोफ्यूज ब्लीडिंग है ना, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग ज़्यादा होगा तो शरीर से ब्लड लॉस हो जाएगा, एनीमिया डेवलप हो सकता है, वीकनेस डेवलप हो सकता है, एंजाइटी, पैल्पिटेशन हो सकते हैं, बॉडी में कमजोरी, थकान, इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, उसको कवर करने के लिए चाइना 30 और फेरमफॉस 6X आपको ज़रूर से लेनी है। साथ में चाइना 30 की 2 बूंदे सुबह और शाम खाने के आधा घंटा पहले, और फेरमफॉस 6X 4 गोली करके दिन में 3 बार खाने के आधा घंटा बाद गुनगुने पानी में मिलाकर आपको ऐड करनी है ये दोनों दवाइयाँ। और साथ ही साथ आपको आयरन टॉनिक भी लेना है अगर आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है तो। बिल्कुल दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। अगले वीडियो में और कोई टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।